प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अंतर पता करो के सवाल सीखेंगे। सबसे पहला सवाल है, 12 में से 3 का अंतर पता करना है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हम 2 में से 3 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हासिल ले लेंगे, 1 से 1 हासिल लिया और यहाँ पर रह गया 0, इसको 1 को हम काट देंगे और ये 2 ऊपर लिख देंगे, कुल बन गए 12 और ये 2 हम काट देंगे, तो 12 में से 3 हम घटा देंगे। तो कितने आए, 12 में से 3 घटाए, हम यहाँ पर 12 लाइनें लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइनें लगा दी, तो 3 लाइनें हम काट देंगे, 1 2 3, बाकी लाइनें हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, तो इसका उत्तर आ गया 9। तो दूसरा सवाल हमारे सामने है, 11 में से 5 का अंतर पता करना है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 1 में से हम 5 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, क्योंकि 1 छोटा है 5 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा नहीं घटा सकते। तो हम यहाँ पर 1 ये हासिल यहाँ से ले लिया और 1 का 1 लिख दिया और ये 1 काट दिया, ये 1 भी काट दिया। 11 में से 5 का अंतर पता करना है, यहाँ 11 लाइनें लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 5 लाइनें हम काट देंगे, 1 2 3 4 5, बाकी लाइनों को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें, ठीक है, इसका उत्तर आ गया 6। अगला सवाल है, 20 में से 8 का अंतर पता करना है। तो 0 में से 8 हम घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो हम यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे और 2 में से 1 हासिल ले लिया, यहाँ पर 1 रह गया, 0 ये वाला हमने यहाँ लिख दिया, तो 2 को भी काट दिया, 0 को भी काट दिया, 10 लाइनें लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से हमने 8 लाइनें काट देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी रह गई 1 2 2, लिख दिया, 1 रह गया यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 का 1 लिख दिया, उत्तर आ गया हमारा 12। अगला सवाल चौथा है, 8 में से 6 का अंतर पता करना है। तो 8 लाइनें लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 लाइनें हमने काटनी है, 1 2 3 4 5 6, बाकी 1 2 2 लाइनें रह गई, 2 लिख दिया और 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 का 1 लिख दिया, तो ये 12 उत्तर आ गया। अगला सवाल देखिए, 9 में से 8 का अंतर पता करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से हमने 8 लाइनें काटनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी 1 लाइन रह गई, 1 लिख दिया और 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 का 1 नीचे उतार देंगे, तो 11 उत्तर आ गया। तो छठा सवाल है, 16 में से 5 का अंतर पता करना है। सबसे पहले हमने 6 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमने 5 लाइनें काट देनी है, 1 2 3 4 5, बाकी कितनी रह गई, 1, 1 लिख दिया, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 का 1 लिख दिया, 11 उत्तर आ गया। धन्यवाद।